हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अविनाश एंड यू वाचिंग फेवरेट चैनल द UP46 राइडर। तो आज हमारे सामने दो बेहतरीन गाड़ियां, एक तरफ है भाई आपकी एडवेंचर एंड एक तरफ है आपकी पॉकेट रॉकेट, जिसको अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया है, यानी कि KTM ड्यूक 390 आपका BS6 E20 वाला वर्जन है। एंड दूसरी तरफ आपकी न्यूली हिमालयन जो आपकी 440cc लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आती है। इन दोनों की अगर हम इंजन की बात करें तो हिमालयन में आपको 452cc का लिक्विड कूल 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको भाई पावर देता है 40 PS का। एंड टॉर्क की बात करें तो भी आपको 40 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। वहीं अगर हम बात करेंगे आपकी KTM ड्यूक 390 का, आपका सेकेंड जनरेशन बोल सकते हो, सेकेंड जनरेशन की जो आपका BS6 वाला मॉडल आप देख ही सकते हो, वहाँ पे आपको 373cc का लिक्विड कूल 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपको पावर देता है भाई 43 PS का पावर देता है एंड 37 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। तो इन दोनों की आज हम ड्रैग रेस करने वाले हैं। ये रेस अभी तक हम लोगों ने की नहीं थी, तो हमने कहा क्यों ना आपको इसका भी करके दिखा दें। ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको सीधा ड्रैग रेस पे एंड दिखाते हैं। अभी तो उसका नया मॉडल आ गया। ओह हाँ भैया, शोवा के सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस मोड पे लगी है। बराबर है, बट यहाँ पे ड्यूक आगे निकल गई। ओहो, ड्यूक आगे निकल गई भाई। भाई ड्यूक का एक्सेलरेशन बहुत तगड़ा है, 5वें गियर पे हूँ और भाई ये वाली ड्यूक अपने आप में बहुत ज्यादा स्मूथ है। 152 जा रहा हूँ, 6वें गियर में लगा दिया। ड्यूक 390 निकल गई फिलहाल के लिए अभी आगे, बट हिमालयन कोशिश कर रही भाई। मतलब स्पेशली ये वाला मॉडल मैं बता रहा हूँ, देख लो आप। और ये हिमालयन बगल से निकलते हुए, हिमालयन, अब पता नहीं बंदे ने स्लिप स्विमिंग की नहीं की भाई, मेरे ख्याल से स्लिप स्विमिंग की है बंदे ने, क्योंकि देखो बगल में आगे हिमालयन 160 पे आगे निकल गई भाई, 390 पीछे है। देखते हैं 390 पीछे कर पाती कि नहीं कर पाती। बगल में आगे 390 और यहाँ पे आपको मीटर का भी पता चल जाएगा, बिल्कुल बराबर बराबर में चल रही है गाड़ी है भाई। तो देखो बगल में आगे हूँ मैं और आगे निकल रहा हूँ और मैं आगे निकल गया। तो टॉप एंड में भाई क्या परफॉर्मेंस है यार, 390 के बराबर चल रही गाड़ी। वेट की अगर बात करें तो ये गाड़ी भाई, इस गाड़ी का वेट ज्यादा 390 से बहुत ज्यादा है भाई, क्या परफॉर्मेंस निकल के आई है यार। 390 को जिस तरह से टक्कर देती है भाई, तगड़ी बात है यार। एडवेंचर हो के मतलब 390 को टक्कर दे रही है। तो अभी हम राइडर चेंज कर रहे हैं और मैं आ गया हूँ। बहुत हल्की है, हिमालयन का वेट बहुत ज्यादा है, इस वेट को कैरी करना है। तो भाई गाड़ी भी ज्यादा पुरानी नहीं है, 12,000 किलोमीटर चली हुई है।
देखते हैं भाई, अब देखते हैं कि हिमालयन मुझे निकल पकड़ पाते कि नहीं। 390 लेके निकल गया हूँ। पहला गियर बहुत जल्दी आता है इसमें, लिमिटर स्टिल देखो, इनिशियल में काफी देर तक टक्कर रही थी, पहले दूसरे गियर तक तो एटलीस्ट। और आप देखो ट्यूब आगे निकली और ये खींच रही है अपने आप को, पांचवे गियर पे है, छठे गियर पे आ गया मैं। 154, 156, 157, 158, ट्यूब आगे आगे चली जा रही है। डिस्टेंस रुक गया है, डिस्टेंस रुक गया है, अब ना ट्यूब आगे जा रही है ना हिमालयन पीछे हो रही है, सेम डिस्टेंस पे। हिमालयन काफ़ी पीछे थी, नहीं पकड़ पाएगी। सेकंड रेस की भी, फर्स्ट रेस में तो भाई मिड में निकल गई थी, बट लास्ट में बराबर बराबर में चल रही थी। सेकंड रेस में विनर हो गई है आरसी की, आरसी ड्यूक 390। 165 तक ये गई थी, 165, 167। ऐसी जा रही थी। हाँ, बट यही है कि जो इनिशियल में तुम आगे निकले थे, हाँ, जो गैप बना था वही गैप बना रहा। भाई ये थी आपकी फाइनल ड्रैग रेस, और फर्स्ट रेस में तो दोनों का टॉप एंड लगभग बराबर ही आया था, आप लोगों ने देखा। सेकंड रेस में भाई 390 आपकी आगे निकल गई थी। तो आप लोग बताओ, आप लोग को रेस कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नीचे अपना सोशल मीडिया हैंडल आ रहा है IP46 Rider, जल्दी से जाके भाई फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, सारी अपडेट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड।